झालावाड़ के सुनेल कस्बे के कई ग्रामीणों की कई दिनों की मेहनत रंग लाई है। उनके अथक प्रयासों के चलते कस्बे के सहकारी सदस्यों को एक छत के नीचे लाकर आपसी सहमति से सुनेल सहकारी समिति के चुनाव में सभी 11 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सभी निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों ने संवाददाताओं से कहा कि हम सभी ने आपसी सहमति से इस चुनाव को करवाया है और ये एक मिसाल पेश की है। लगभग 50 साल के इतिहास को हमने बदल दिया है। हम सब मिलकर ऐसे ही निर्णय लेंगे जिससे हमारी ग्राम सहकारी समिति का विकास हो, नाम हो, हमारी ग्राम सहकारी समिति आदर्श बने और किसानों की सेवा करे। निर्वाचन अधिकारी नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि 18 नामांकन प्राप्त हुए थे, उसमें से 7 नामांकन वापस लिए, इस प्रकार 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर बद्रीलाल कलाल, व्यवस्थापक गजराज सिंह, व्यवस्थापक चैन सिंह सिसोदिया, व्यवस्थापक मोहनलाल धाकड़, लालचंद गुर्जर, जीतू नागर सभी के द्वारा निर्वाचन के दौरान सहयोग दिया गया। निर्वाचन अधिकारी नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि बिरदीचंद कारपेंटर, शोभारा मेघवाल, दौलत सिंह सिसोदिया, संदीप व्यास, सुनीता कुमारी नागर, भगवती बाई, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, सज्जन बाई, रामदयाल, धीरज कुमार चौधरी आदि सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सर, सुनेल सहकारी समिति के आज नामांकन की लास्ट तारीख थी, क्या रिजल्ट रहा है, क्या कुछ हुआ? आज लास्ट तारीख नहीं, आज नाम निर्देशन 9 AM से 11 AM का समय था, उसके इसमें हमें कुल 18 नामांकन प्राप्त हुए जिनके हमने 11:30 बजे प्रकाशन किया, नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया। उसी के बाद 18 नामांकन की जांच करने के बाद वे 3 नामांकनों का प्रकाशन 4:30 बजे समिति की नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया। उसी के बाद नाम वापसी जो 4:30 से 5:30 बजे तक की गई, उसमें 7 नाम वापस हुए जिसमें वार्ड 5 रिक्त रहा, बाकी निर्विरोध निर्वाचित हुए। समिति के संचालक मंडल 11 वार्डों के निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये आज का हमारा प्रोग्राम था और इस सभी सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। 22 तारीख को पदाधिकारियों को चुनाव है जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव रहेंगे। ये 10 से 11 बजे तक नामांकन होगा तो सभी सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है, ये हमने उनको सबको सूचित कर दिया। सर, आपका नाम और पद? नंदकिशोर गुर्जर, निर्वाचन अधिकारी क्रमांक 21। For admission in MBBS in Kazakhstan, please contact phone 89498-41684.